को इस दंग के मैदान में तुम डरना नहीं, डट के लड़ना घबराना नहीं। इस दंग के मैदान में तुम डरना नहीं, डट के लड़ना घबराना नहीं। मुमकिन है होगी जीत तुम्हारी, रोना नहीं। हार के तुमको जाना नहीं। जियो जिंदगी, जियो जिंदगी, जियो जिंदगी हर पल यहाँ। ढूंढो टगर जुल जाएगी तेरी मंजिल तक। ना उम्मीदी में वक्त को गंवाना नहीं। ढूंढो टगर जुल जाएगी तेरी मंजिल तक। ना उम्मीदी में वक्त को गंवाना नहीं। बीती कल की बातों पर पछताना नहीं। एक बार की ये जिंदगी ऐसे खोना नहीं। जियो जिंदगी, जियो जिंदगी, जियो जिंदगी हर पल यहाँ। जियो जिंदगी, जियो जिंदगी, जियो जिंदगी हर पल यहाँ। जियो जिंदगी, जियो जिंदगी, जियो जिंदगी हर पल यहाँ। जियो जिंदगी, जियो जिंदगी, जियो जिंदगी हर पल यहाँ। थैंक यू। यही है जियो जिंदगी। जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें हम देखे भी नहीं, जिन्हें हम जानते भी नहीं, उनके लिए हम कभी खून देने के लिए चले जाते हैं, कभी पैसे देने के लिए चले जाते हैं। जो है, जितना है, कितने किस्मत वाले हैं ना हम कि हमारा हाथ हमेशा ऐसा रहता है, कभी ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी इन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने हमें हाथ ऐसा रखने का एहसास दिया है। लिव लाइफ फाउंडेशन, जियो जिंदगी ने एक ऐसी जिंदगी को जिंदगी दी जो छोटा सा बच्चा था। ऐसे ही कई लोग आते हैं मुंबई जैसे शहर में, हर पल हर क्षण रुकने की। आप जाकर वडाला में टाटा हॉस्पिटल के बाहर देखिए, लोग अच्छे अच्छे परिवारों के लोग हैं। जब उनसे बात करो तो पता पड़ता है कि गाँव में हमारा इतना बड़ा घर है और यहाँ हम रास्ते पर बैठे हैं। लिव लाइफ फाउंडेशन ने इस चीज़ के लिए एक व्यवस्था की, एक छोटा सा कमरा लिया जहाँ लोग आते हैं, रुक सकते हैं। इस बात के लिए हमें तालियां पहुंचानी चाहिए उन तक। फिर बात आई, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स हम करते हैं, हम मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ इकट्ठा करते हैं और लोगों की मदद कर देते हैं। फिर बात आई कि कॉन्सर्ट्स के अलावा और यह जो घर हमने लिया है, पिछले 2 सालों में क्या किया, तो 2020 की तालाबंदी के दौर में भी 3 महीने तक एक परिवार उस घर में सुरक्षित था। उसके भोजन पानी की व्यवस्था भी यहाँ से की जा रही थी। इस बात के लिए भी जियो जिंदगी परिवार के लिए हम सब की ओर से जोरदार तालियां। महेंद्र भाई कहाँ गया, आ जाइए आ जाइए। जब भी सोचती हूँ इस बारे में कि दुनिया में कौन है, क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, तो वो महेंद्र भाई का नाम सामने आता है। बड़ा गर्व होता है अपने भाई के साथ में खड़े होने पर, बड़ा गर्व होता है इनको देखकर। हमारी तालियां बस इतनी सी हैं। हेलो जागो। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे अतिथि गणों का हम इंतज़ार कर रहे थे और उस इंतज़ार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हम बुलाते हैं हमारे प्यारे गायक कलाकारों को।